सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल डेकोरेशन नवरंगपुर। बट फिलहाल मैं हूँ अभी बुलबुल बैग हाउस में। सो गाइज, मोबाइल तो मैंने कल आपको दिखाई दिया, आज उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। मतलब पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है और जिसे सूट कर रहा हूँ वही मोबाइल है ये। इसको मैं उस फ़ोन से अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊँगा। ओके सो गाइज, अभी हम आए नाश्ता लेने के लिए। ये है वो होटल जिसका नाम है चित्राजू, जो कि नवरंगपुर का बहुत फेमस होटल है ये। सो गाइज, पार्सल तो ले लिया, अब चलते हैं दुकान। फाइनली पहुंच गए हम अपनी शॉप विद पार्सल। गाइज, ये घर से आया हुआ है पूरी और अचार और क्या है, पूरी अचार और चीनी और ये हम वो होटल से लेके आए हैं। इसको अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाता हूँ फिर से। ये रावा डोसा और ये इडली है। देखो इडली कितनी बड़ी बड़ी है, 10 रुपए की एक है। एक इडली मेरी है ना भाई। चटनी सब्जी खोलो, उल्ली चटनी खोलो। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 11:40 और मैं अभी आया हूँ फिलहाल ड्राई क्लीनिंग के लिए। यहीं पे ड्राई क्लीनिंग होता है। एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ अजमेर, तो शादी में जा रहा हूँ, उसके लिए ये सब ड्राई क्लीनिंग करना है मेरे को, जो भी मेरा सूट है, ब्लेजर है। ओके गाइज, ये ब्लेजर होने वाला है जो कि हम वहाँ पे पहनेंगे, सॉरी मैं पहनूंगा। तो गाइज, फिलहाल मैं आया हूँ इस शॉप पर बिकॉज मेरा जो वीडियो जो मैंने एडिटिंग किया है उसको अपलोड करना है। अभी अपलोड करके फिर चलता हूँ दुकान पे। तो गाइस, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हम भंडारगढ़ मंदिर के पास हैं और यहाँ पर आए हुए हैं चोला पीने के लिए, जो कि बहुत डिलीशियस है। तो मतलब ये गर्मी के सीज़न में अगर चोला वोला पियोगे तो बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो इस शॉप पर मिलता है चोला, जो भी चाहिए भंडारगढ़ मंदिर के साइड में, सोडा स्पेशल सब कुछ मिलता है यहाँ पे। पता नहीं किससे बनता है ये। ये लस्सी बोलता है भाई। सो गाइस, कुछ वेजिटेबल्स लेना है जो कि मैं लेने आया हुआ हूँ। ये हमारे ओल्ड मार्केट के पास है। सो गाइस, अभी मेरे साथ वो सीगो था, उसका मैं इंट्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाया। सो गाइस, हम तो फिलहाल बैंगल्स लेने आए हैं। बैंगल्स की वैरायटी देखिए, दन दना दन वैरायटी है, आपको मिल जाएगा हमारी शॉप पे बुलबुल डेकोरेशन में। लेडीज सब्सक्राइबर्स हैं उनके रिगार्डिंग है ये, तो उनको शायद अच्छा लगेगा। तो जो भी कलर चाहिए आप विजिट कर सकते हो हमारे शॉप पर, इतनी सारी मिले। तो गाइस, आज थर्सडे है, मार्केट पूरा बंद रहता है, तो आज हम लोग भी एक टाइम कर रहे हैं, 2 बजे ही बढ़ा दे रहे हैं। जो भी मैंने अभी बैंगल्स वगैरह दिखाया था वो सब तो मैं ऑर्डर देके आ गया हूँ, वो आ जाएगा शाम तक। और अभी फ़िलहाल दुकान बढ़ा रहे हैं, देखिए ये वाला दुकान बढ़ा दिया है और उसका भी दुकान काम चल रहा है, बढ़ा रहे हैं वो दुकान। फिर घर जाके मैं सो जाऊँगा, नींद आ रही है बहुत ज़ोरदार। सो गाइस, ये दुकान भी हम बढ़ा रहे हैं बुलबुल डेकोरेशन। टाइम हो रहा है 2:00 और मतलब आज पहली बार बढ़ा रहे हैं हम लोग इस थर्सडे, पहले कोई भी थर्सडे हम बढ़ाते नहीं थे। आज नींद जब कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो गाइस, आज कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है दुकान बढ़ा के। आज एक टाइम की है ना, रेस्ट मिलेगा, जो एक्साइटमेंट है और बता नहीं सकता मैं फील नहीं कर सकता, सॉरी बता नहीं सकता। ये बाबू तो हर संडे छुट्टी करता है और हर थर्सडे को हाफ टाइम करता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन को फर्क पड़ रहा है भाई। मतलब 1 मंथ में एक दिन आज हाफ टाइम किए हैं, देखते हैं लक्ष्य शाम को मिलते हैं, बाय। सो गाइस, दुकान तो हमने बढ़ा दी है और मैं दिखाता हूँ बाहर जो हमने आज जो सजाया है। ये देखिए, यहाँ पे भगवान जी का मूर्ति लगाया है और ये वॉच होने वाली है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है अंजलि, ये वुडन पैटर्न में है। ओके सो गाइस, चलते फिरते हम लोग आ गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए। ये अंगूर है 160 रुपीज़ पर केजी नवरंगपुर में, और बाकी का पता नहीं कहाँ पर कितना है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 5:17 और मैं डायरेक्ट दुकान से घर आया, खा पी के डायरेक्ट सो गया, बहुत तगड़ी वाली नींद आई थी। अब जस्ट उठा हूँ मैं। सो अभी अतुल भैया का घर बन रहा है, देख कर आते हैं, चलो। ए, क्या हो रहा है बनो, क्या हो रहा है, उठ गई, सो रही थी, तू क्या कर रहा है भाई, चलो ऊपर चलते हैं, चलो गोदी में गुनू, हेलो बोलते हैं, हेलो बॉस, बहुत जल्दी पागल लड़की, मैं उतार दूंगा यहीं पे। तो गाइस, काम देखो कुछ इस तरीके से हुआ है। ये देखो पानी पड़ा हुआ है और फिलहाल और भी चल रहा है। ये किचन है, अगर किचन देखो, किचन के पास ऐसे विंडो है, ठीक है,
और यहाँ पर पानी हाथ धोने का होगा, वरना बर्तन वगैरह धोने का है। यहाँ पे शायद गैस चूल्हा आएगा, ये सब टाइल्स लगेगा। यहाँ पर एक रूम ये होने वाली है, और यहाँ पर देखो विंडो है, यहाँ पे पूरा अटैचमेंट, बाथरूम वगैरह जो भी है। एक रूम ये है जो कि मैं अंदर जाऊँगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज लाइट नहीं है वहाँ पे। ये है वो ऑनर अटोलिया, और ये हमारा घर है। फ्लावर दे दे रही है, फिर मैं दूसरी ला के दूंगा, बड़ी वाली ला के दूंगा। दे रही है, हे हे हे, डांस करके बताइए, डांस करके बता। सुन आर्यन, आर्यन आना, कौन डर जाते हैं वीडियो, कौन डर जाता है। ले ये आ गई, बोल दे हेलो, हाय, बाय। सो गाइस, वो हम जो ब्लैक कलर की स्कूटी है वो लेके जाएंगे। चाबी ले लेता हूँ ताऊ जी से। नीचे रैक, आजा नीचे, नीचे नीचे आजा, जल्दी आजा, ओए आजा। देखो कैसे भागवा क्या रहा है। ये चल रहा है घूमने, चल रहा है घूमने, चल रहा है। ले उसे बात करिए। नहीं बात नहीं करता ये, नहीं करता बात, क्यों नहीं करता, भोकता है। खाली भोकता है ये बात, डॉग ये तो कैसे बात करेगा ना। अच्छा इंसान है तो इंसान बात करेंगे, डॉग ही नहीं करते, डॉग ही नहीं करते ना। चलो ठीक है, चल रहे हैं ना घूमने, चल रहे हैं गाड़ी में, चलें। रुक जा रुक जा, गाड़ी ला रहा हूँ चाबी। रैक्स, अब देखो बुला रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, समझ गया बंदा। रैक्स, ए आ गया आ गया आ गया, आ जा चले घूमने, चलो खोलो, चले घूमने चले। तो गाइस गाड़ी की चाबी मिल गई है। ओए चाबी दे, गाड़ी ये रही। ओए ए अरे ला चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे, चल लगा आ रहा हूँ, रुक जा। तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारी गाड़ी, लेट्स गो। सो ये हिली डोंगरी का रास्ता है, यहाँ से अप्रोक्स 2 किलोमीटर दूर है हिली डोंगरी, फिर हम पहुँच जाएंगे हिली डोंगरी। हिली डोंगरी पहाड़ है एक्चुअली। सो यहाँ वहाँ घूम घूम के टाइम 6 o'clock हो गया है और अंधेरा भी हो गया है, देखिए। यहाँ पर है मंगलम टिम्बर फैक्ट्री, ये मंगलम टिम्बर रास्ता है। तो गाइज ये है ऊट, ये ऊट जाता है इस फैक्ट्री में और प्लाईवुड बन के आता है इसका, यही है। इस ऊट को देख के पुष्पा की याद आ गई, पुष्पा मूवी की। देखिए गाइज ट्रक भरे पड़े हैं ऊट से। सो गाइज चलते फिरते हम पहुंच गए हमारे भैया की ऑफिस, गौतम भैया हैं, गौतम रावत। सो ऑफिस के ऑनर हैं ये गौतम भैया। और यहाँ पे लिखा है स्टॉप सेइंग टुमारो बिकॉज टुडे इज हमरो, नहीं क्या भैया, टुडे इज हमरो, ओडिया में हमरो मतलब हम, इजंट इट, टुडे इज अमरो, अमरो। ओके ये ऑफिस होने वाली है, टैक्स कंसल्टेंसी है। सो अभी हम आए हैं स्वीट कॉर्न के लिए। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 9 o'clock, फाइनली मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आज जहाँ जहाँ भी हम घूमने गए, 2 बजे तो हमने दुकान बढ़ा दी थी, और एक्चुअली जाने वाले थे कोर्ट बट नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली, वहाँ रात ज़्यादा हुई थी तो उसके रिगार्डिंग नहीं गए, बहुत दूर है वहाँ पे, अंधेरा बहुत है। सो गाइस इसके साथ मैं अपना व्लॉग करता हूँ एंड, और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज फिलहाल हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले थे, वो नहीं हुआ, वो कल करेंगे।